गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो हैप्पी दिवाली, सबको हैप्पी दिवाली, बहुत अच्छी अच्छी हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। सबके परिवार में खुशियां आए, लक्ष्मी जी आए, और मतलब सब कुछ, बस सारी खुशियां, हैप्पीनेस, मतलब एवरीथिंग। तो भाई आज मैं बहुत जल्दी उठ रही थी। तो क्या हुआ था, मैं तो 6 बजे उठी थी, वीर मेरे से पहले उठा हुआ था, अब सोया है। 8 बज रहे हैं, अब सोया है वीर। तो इतने मैंने अपना सारा काम वाम कर लिया, मतलब सब हो गया मेरा आज, क्योंकि आज मावस है ना, तो फिर फटाफट करना पड़ता है। तो फिर आज मुझे शैम्पू करना था, फिर ऐसे बोलते हैं मावस वाले दिन शैम्पू नहीं करते, तो मैं सोची जब मावस निकल लेगी तो गाय को रोटी दी जाएगी, उसके बाद मैं नहाऊँगी, फिर उसके बाद मैं शैम्पू करूँगी। तो मैंने खाना वाना तो बना दिया, बस अब मम्मी जाएंगे, मतलब पापा वहाँ पे जाएंगे घर पे, क्योंकि हमारे मंडी पे जोत लगते हैं ना, फिर उसके बाद गाय को रोटी देंगी मम्मी, उसके बाद देखिए फिर मैं नहाऊंगी। अब तो फिलहाल मम्मी नहाने गई है, अब कुछ शांत सा है, पापा बाहर गए हुए हैं, अब पापा आके नहाएंगे फिर जाएंगे। और ये वीर के पास लेट रहे हैं, तो आज पटाखे फोड़ेंगे बहुत सारे, मतलब मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। आज हम गूगा में जाएंगे, मतलब मुझे इतना एक्साइटमेंट, मैं यही सोचूं मतलब फिर भी मैं क्या पहन रहा हूँ मतलब कुछ भी हो फेस्टिवल्स, मतलब मुझे सिर्फ ड्रेसेस, सो ऑब्सेस्ड विद दैट। तो चलो गाइस फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। खाती हूँ मैंने आज क्या क्या बनाया है खाने में और क्या क्या करने हैं मुझे, फिर मिलते हैं उसके बाद। गाइस देखो सुबह सुबह पता नहीं मेरे कुकर में क्या भूत आ गया, मैंने पानी भी बहुत लिमिटेड डाला था दाल में, लेकिन एकदम से इसमें से पानी निकलने लग गया, पता नहीं क्या हो गया। फिर अब इसे साफ करती हूँ, कितना ज़्यादा काम बढ़ गया मेरा। देखो मेरी दाल में पानी भी ज़्यादा नहीं था, फिर भी पता नहीं, पता है क्या हुआ था, शायद जो ये कुकर की सीटी है ना, ये मतलब अनबैलेंस थी थोड़ी सी, मतलब ये खुली हुई थी, शायद मैंने चेक नहीं किया। तो प्लीज़ सभी अपना, मतलब जब भी खाना वाना बनाए तो प्लीज़ चेक कर लें इसे, क्योंकि इन केसेस में बहुत बार कुकर फट भी जाता है। तो अपना ध्यान रखें कृपया रसोई में। मेरे साथ तो हो लिया है, मैंने गैस साफ़ कर दिया, अपना कर दिया, क्योंकि मेरे से गंदी गैस पर काम नहीं होता भाई। चलो करते हैं फिर। मेरी दाल के लिए मैंने प्याज और टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक सब इसमें डाल दिया है। इसमें खीर के लिए चावल भिगो दिए हैं, अभी दूध नहीं निकला, इतना भी दूध ला के मैं खीर बनी रख देती हूँ, फिर बाहर आ गया शायद, इसको कर देते हैं बंद, फिर मिलते हैं, चलो चलते हैं बाहर। मम्मी आप क्या कर रहे हो रसोई में? बेटा खीर बन के रखूं, चाय भी बना रहे हैं। ठीक है, पानी नहीं वायर करते तो मेरी ग्रीन टी बना देना मम्मी। तो अब मम्मी बनाई रही है चाय, इतने में घी निकाल लेती हूँ, अब निकालते ना घी, फिर उसके बाद पीते हैं ग्रीन टी, और फिर सबके पास बैठ के पीते हैं ग्रीन टी। मैं घी निकाल लेती हूँ, दाल मेरी अब तो दिन में बनने वाली है, बस अब मैंने ढंग से चेक कर दिया था कुकर, अब ठीक है, और छोंकों की सारी तैयारी कर दी, चावल भी गोने हैं बस, क्योंकि आज दाल चावल बनेंगे ना सुबह सुबह, फिर उसके बाद थोड़ा सा आटा लगाना है बिना नमक वाला, क्योंकि वो रोटी निकलेगी। आज मावस निकालेंगे, क्योंकि कल मावस, कल की है वैसे मावस, लेकिन हम आज निकालेंगे क्योंकि वो है, कल ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, इसलिए तो रेडी हो गया। और आज हम बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं, अब मैं जाती हूँ नहाने, अब मैं नहा के आती हूँ, तो उसके बाद मिलते हैं। वीर कितना खुश हो रहा है देख के, कौन चाहिए, मम्मी अपनी पूजा की तैयारी कर रही है, बस फिर अब हम निकल रहे हैं अपना नहा के, तो मैं वीर को दे देती हूँ, मैं जाती हूँ नहाने अपने। फिर तो गाइस अब मैं रेडी हो गई, अब मैं जाती हूँ नीचे, मम्मी वेट करूँगी क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत लेट हो गए हैं, अब मैं चलती हूँ। कैसी लग रही हूँ? चलो फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं वहीं पे, हम गूगा में जाना है हमें, फिर हम लेट हो जाएंगे अदरवाइज बहुत ज़्यादा, वहाँ पे हमारी बड़ी मम्मी भी हमारा वेट कर रही होंगी। गाइस हमारी हैरियर स्टार्ट हो गई है, तो अब हम चल रहे हैं। आज मम्मी ने जो मेरा पागल बनाया ना, वो मैं आपको बताती हूँ डिटेल में, आज मम्मी ने मेरा कैसे पागल बनाया, मतलब आज मम्मी सुबह से मेरा पागल बनाने पे ही हैं। तो फिर अब चलते हैं हम वहाँ पे, जाके हम खिचड़ी खाएंगे, फिर उसके बाद मिलते हैं। चलो भाई अब चलते हैं, मम्मी आ जाओ, तो अब हम रेडी हैं, मम्मी ने भी अपना सामान ले लिया, रेडी हैं, अब चलते हैं। चलो वीर बैठो, डोली बजी, इनकी टेंशन हो जाती है, वो करड़ करड़ के घर में।
मतलब गाड़ी में से ना थोड़ी सी भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, मतलब आनी नहीं चाहिए चन्नू से। तो फिर आज पता है क्या हुआ, मतलब मैं मम्मी को बोल रही कि मम्मी चलेंगे वहाँ पे, मतलब मम्मी बोल रही कि चलना है बेटा वहाँ पे, जल्दी तैयार हो जाना। तो ऐसे करते करते आठ साढ़े आठ हो गए, तो मम्मी बोली साढ़े आठ हो गए, सब लोग इतनी जल्दी चले जाएंगे और जल्दी जल्दी नहा ले, जल्दी जल्दी नहा ले। तो मम्मी काम, मतलब मैंने बहुत फटाफट करा फिर भी सारा कुछ, मम्मी करी जल्दी नहा। मैं गई बाथरूम में, मतलब मैं नहाने में, मतलब ये लगो ना पाँच मिनट में मैं रेडी, मतलब आज तो मैं बहुत जल्दी रेडी हो गई, मैं डेली जल्दी रेडी हो जाती हूँ, आज मैंने कुछ ज़्यादा स्पीड दिखा दी। तो फिर उसके बाद मैं नीचे आई, फिर मम्मी कह रही है चल तू वीर की रोटी बना लाती हूँ, मैं वीर को खाने खिला रही हूँ। मम्मी हम जा नहीं रहे, हम लेट नहीं हो रहे। बोले बड़े मम्मी का फोन है बेटा साढ़े नौ बजे तक आ जाना आराम से। तो मम्मी अच्छे से भाव बनाया। उससे पहले सुबह क्या हुआ था, मम्मी ने क्या करा, मम्मी कह रही है आज क्या बना रहे खाने में, मम्मी दाल बना रही, वो कह दाल में आज मटर डाल दे। मम्मी दाल में मटर कौन डालता है, बोले नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहने चाहिए ना बेटा दाल में मटर। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करती हूँ एक दिन दाल में मटर डाल के बनाना। हमारे घर पे तो कोई खाता नहीं है, बट किसी के घर पे कोई खा ले तो मैं मम्मी हम हरियाणा में रहते हैं ना, हमारे कोई नहीं खाएगा। चलो फिर मिलते हैं, पहुँचने वाले हैं हम उसके बाद। तो गाइस हम भूखा के मंदिर में आ गए, जयदाता भूखा पीर। चलो रेनु मेरा
हम आ गए घूगा में सारे खिचड़ी चढ़ा के। अब हम यहाँ पेड़ के नीचे बैठ के अब हम यहाँ पे खिचड़ी खाएंगे। मतलब ये होता है हमारे यहाँ पे कल्चर, तो दिखाते हैं हम खिचड़ी खाएंगे सारे बैठ के। खिचड़ी इसमें दही पूरा सब मिक्स है, दही डाल के अब हम सारे खाएंगे यहाँ पे। ईशान, ईशान की मम्मी, मम्मी भी, हम सब खाएंगे। चल गए मिट्टी, अब हम इनको मिट्टी से साफ करेंगे फिर घर लेके जाएंगे। अरे मिट्टी ना 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 पत्थर के, हाँ दे ये रे जैसे इधर, हाँ ये, हाँ इस टाइप की, हाँ साथ में ऐसे। फिर इनको क्या करें, घर ले जाकर वाले बस थोड़ी देर में। तो अब हम घर जाकर रंगोली बनाएंगे, अपना घर डेकोरेट करेंगे, माला वाला बनाएंगे। अपने फ्लावर्स हमारे मॉर्निंग में ही आ गए थे, भाई दे गया था। तो अब घर जाके फिर खाना खाएंगे, पहले खाना बनाएंगे सबके लिए। मतलब खाना तो रेडी है, ऑलमोस्ट बस सर्व कर रहे हैं, क्योंकि सुबह बना के आ गई थी, क्योंकि फिर टाइम लग जाता है ना। तो अब बस कलर्स ले लेते हैं यहाँ से, कलर्स लेके चलेंगे फिर रंगोली बनाएंगे। उसके बाद हमारे गया चलो करते हैं। अरे ये क्या कर रहा है, ये मुझे देख रहा है कि मैं क्या करती हूँ। फाइनली मंदिर रिजॉल्व, चकाचक। अब हम बनाते हैं नीचे की माला नीचे जाके, तो फिर मिलते हैं। गाइस अब हमारी डेकोरेशन हो रही है, ये माला बना दी है फ्लावर्स वाली। मैं आपको माला यहाँ टांगी हमने, और यहाँ से उठा उठा के हाँ टांगी ऐसे करके, ये लग रहे हमारे डेकोरेशन वाले। चलो फिर जब पूरा हो जाएगा तब दिखाती हूँ मैं कैसे होगा। गाइस ये फ्लावर्स लेके जा रहे हैं, ये उन पे लगाऊंगी जो ये खड़े हैं ना सरिये से ऊपर की तरफ, उन पे एक एक बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे भी डेकोरेट करते हैं। तब वो माला टूट गई हमारी, क्योंकि वो कच्चे धागे से थी, अब पक्के धागे से बना रहे हैं, अब नहीं टूटेगी। चलो गाइस ये हमारी डेकोरेशन हो गई है, अब मैं अंदर चल के रंगोली बनाऊंगी। ये वाला अच्छा लग रहा है ना ऊपर वाला। चलो अब चलते हैं अंदर, अंदर अब बनाएंगे रंगोली। अब ये वाला गेट बंद हो जाएगा, यहाँ से आएंगे। भाई खोल दे, हम भारी गोट दिए रामू भाई ने, देखो ऐसे। अब ये वाला गेट बंद हो गया, अंदर से लॉक कर दिया ये वाला। अब यहाँ से जाएंगे हम अंदर, नहीं वो खराब हो जाएगा ना। चलो फिर मिलते हैं, अब अपनी कार डेकोरेट करेंगे हम, इन पे लगाएंगे माला और फूल। ये क्या कर रहे हो आप, वीडियो बना रही थी। यस अपनी माता की पूजा, वेरी गुड बॉय। ठीक है राधिका, यू कैन गो। माता की पूजा इस करते हैं, पैर छू के करते हैं, कदमों में डालते हैं फूल, ना कि सिर पे। फूल लाता है दूध तनु आए कर रहे हैं। वेरी गुड बॉय। गाइस ये मैंने अपनी दिवाली की तैयारी कर ली है, अब भी ये जाएंगे जैसे माता पे भैया पे, मतलब बहुत सारी चीजें होते हैं ना वहाँ पे जाते हैं, बहुत सारी जगहों पे देवताओं पे, तो फिर वहाँ पे अब ये जाएंगे इनको लेके। सेनक जाती है और हमारे यहाँ पे, तो फिर दिए कर दिए। मम्मी ने बाती बना दी थी, उसे कल बना रही थी मम्मी पे, अब हो गया। बस अब इनमें डाल के इनको देने हैं, अब जब ये जाएंगे तब दे देंगे। तब तक के लिए मैं अपना देखती हूँ। ये बोल रहे हैं कप नूडल बना रहे, तो मैं इनके लिए कप नूडल बनाती हूँ।
और मम्मी अपना वही माला बना रही हैं। ये भी इनकी हरकतें देखो। चलो मिलते हैं फिर। तो गाइज यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये हमारी हैरियर देखो, माला पहना दी, इसको कितनी अच्छी लग रही है। फिर अब इसके बाद ये टेंटन है, ये हमारी शिफ्ट, इस पर डाल दी माला, ये भी अच्छी लग रही है। पर ये माला से गाड़ी चलेगी तो, अरे बांध दी नीचे, ये ना जाए कहीं भी इसकी माला। फिर मेरी रानी, मेरी रानी, मेरी बेटी, मेरी लाडो, मेरी थार, माय फेवरेट, कितनी सच में बहुत सुंदर लग रही है, मतलब सबसे बढ़िया थार लग रही है। और ये हमारा हिंदुस्तान, ये भी बढ़िया डेकोरेट कर दिया हमारे काका की शान। तो गाइस आज हम नया एक्सपेरिमेंट करेंगे, चार आलू बम, चार एक साथ फोड़ेंगे। फिर ये फोड़ के आज का ब्लॉग नहीं खत्म करते हैं, फिर कल मतलब नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी आगे कैसे क्या हम बम पटाखे छोड़ेंगे रंगोली नेक्स्ट ब्लॉग में, तो आप दिखाती हूँ। Thank you. Bye bye.